हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि ग्रो ऐप के जरिए हम कैसे शेयर मार्केट में स्टार्टिंग कर सकते हैं और शेयर मार्केट में स्टार्ट करके हम लाखों करोड़ों की कैपिटल वेल्थ बना सकते हैं। आपको इस वीडियो के अंदर मैं लाइव सिखाऊंगा, लाइव बताऊंगा कि किस प्रकार से हम शेयर मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, आपने कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में, कहीं न्यूज़पेपर में, कहीं ना कहीं देखा होगा कि किसी इंसान ने 1 लाख रुपये लगाए और उसके कुछ ही सालों के अंदर 1 करोड़ हो गए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम शेयर मार्केट से पैसा कमा सकते हैं और आप इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ सीखेंगे। इसलिए इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि शेयर मार्केट आखिर होता क्या है, थोड़ा सा बेसिक आइडिया ले लेते हैं जिससे कि कुछ नए व्यूअर होंगे उनको भी आइडिया लग जाएगा। मान लीजिए कोई कंपनी है एक्स वाई जेड, ठीक है, कोई कंपनी एक्स वाई जेड है। आज इसकी जो वेल्थ है, मान लीजिए मार्केट कैप है, वो है मान लीजिए 1 लाख। इसकी मार्केट कैप 1 लाख है और कल को, यानी कि 1 साल 5 साल 10 साल बाद इसकी कैप हो जाए 500 करोड़ हो जाए या 1000 करोड़ की, क्या हो जाए, 1000 करोड़ की कैप हो जाए मान लीजिए इसकी मार्केट कैप। तो मान लीजिए कंपनी ने तरक्की करी होगी तभी तो 1 लाख से 1000 करोड़ पहुंची है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि अगर आपने इसमें पैसा लगाया होता तो आप भी आज इस 1000 करोड़ में कुछ ना कुछ आपकी हिस्सेदारी होती। ठीक इसी प्रकार से जो ग्रो ऐप है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिलायंस पावर है, वोडाफोन है, ये कई सारे स्टॉक हैं। हालांकि आप स्टॉक की लिस्ट देखना चाहते हैं कि भैया कितने स्टॉक हैं पूरे, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ऑल स्टॉक, यानी कि देखिए आ रहा है प्रोडक्ट एंड टूल्स के अंदर ऑल स्टॉक आ रहा है। यहाँ पे आप सारे स्टॉक देख सकते हो जो कि हमारे देश के अंदर जो NSE है, BSE है, वहाँ पे कितने स्टॉक लिस्ट हैं, 5000 से लेकर के 5500 स्टॉक यानी कंपनियाँ लिस्टेड हैं। अब इस ग्रो ऐप की हम बात करेंगे तो हम स्टॉक सेक्शन की बात कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड सेक्शन ये रहा, देखिए UPI ये रहा और लोन ये रहा। अब हम स्टॉक के अंदर बात करेंगे तो यहाँ पे एक्सप्लोर आ रहा है, होल्डिंग आ रही है और ये मेरी कुछ वॉच लिस्ट आ रही हैं ये तीन, ठीक है, यानी कि मैंने कुछ वॉच लिस्ट बना रखी है कि भाई इनके अंदर मुझे कुछ पैसा कभी भविष्य में मुझे इन्वेस्ट करना है तो मैं इनके अंदर करूँगा। इसके अलावा होल्डिंग देखेंगे, ये मेरी कुछ होल्डिंग है जो कि मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है इसके अंदर और आपको लोगों को सिखाने के लिए मैं कुछ इस तरीके से मैं इसके अंदर इन्वेस्ट करता रहता हूँ और आप लोगों को लाइव इन्वेस्ट करके दिखाता हूँ। ठीक इसी प्रकार से ये मोस्ट बॉट ऑन ग्रो, पहले हम ग्रो की थोड़ी सी बात कर रहे हैं कि ग्रो को हम यूज कैसे करते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे शेयर मार्केट से पैसा कैसे कमाते हैं, ठीक है। तो ये मोस्ट बॉट यानी कि ग्रो ऐप के ऊपर, ग्रो ऐप में सबसे ज़्यादा स्टॉक कौन से बाई किए जा रहे हैं हाल फिलहाल के दिनों में, वो आपका ये लिस्ट आ रही है, ये प्रोडक्ट एंड टूल्स आ रहे हैं, कुछ गेनर्स की लिस्ट आ रही है लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में और आपके लूजर्स यानी कि जिनके अंदर नुकसान हुआ एक दिन के अंदर, वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप आ रही है। तो इस प्रकार से काफ़ी सारी यहाँ पर डिटेल आप देखने को मिल सकती है स्क्रीन पर। अब हम बात कर लेते हैं सुजरोल एनर्जी की। हमने मान लीजिए सुजरोल एनर्जी स्टॉक ओपन कर लिया है और मान लीजिए इसके अंदर हम पैसा लगाते हैं तो हम पैसा कैसे कमा लेते हैं, हम इसकी बात करेंगे। हालांकि कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको सुजरोल एनर्जी का एग्जाम्पल लेके समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि हम यदि अच्छी कंपनी के अंदर पैसा लगाते हैं तो हम पैसा कैसे बना सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, यहाँ पे वन डे, वन वीक, वन मंथ और आपकी परफॉर्मेंस आपकी यहाँ पे दिखाएगा ये, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे एक दिन के अंदर लॉस देखेंगे तो एक दिन के अंदर लॉस हमें कितना मिला है, 1.43% का लॉस है। वन वीक की बात करेंगे तो 7.50% का लॉस हुआ है। एक महीने की बात करेंगे तो 2.62% का लॉस हुआ है। लेकिन एक साल पहले आपने पैसा लगाया होता, आपने अगर एक साल पहले पैसा लगाया होता, यहाँ पर लगाया होता पैसा आज, तो आपका बैलेंस कितनी हो रही थी यहाँ पर, यानी कि आपको आपका 150 यानी कि 160% का प्रॉफिट मिल गया होता आपको अभी तक, 160% का। सोचिए कि आपको FD के अंदर 6% का प्रॉफिट मिलता है या फिर 6.5% का प्रॉफिट मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको 150% यानी कि 160% का प्रॉफिट मिल गया आपको एक साल पहले। 5 साल की बात कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि 3152% मतलब इतना पैसा गुना हो गया आपका। सॉरी, अगर आपने यहाँ पे 1 लाख रुपये लगाया होता तो आज यहाँ पे कितना होता आपका 31.52x आपका पैसा इतना गुना हो जाता, ठीक है। इसी प्रकार से आप ऑल टाइम की बात कर लेते हैं तो ऑल टाइम में यहाँ पे आपको लॉस हो रहा होता है, यानी कभी देखिए मार्केट में ना हमें पैसा इसी जगह पे लगाना है, मार्केट में पैसा मान लीजिए यहाँ पे लगाया होता आपने तो यहाँ पे आपको लॉस हो जाता, लेकिन जिन लोगों ने पैसा यहाँ पे लगाया था वो आज देखिए यहाँ पर क्या पैसे का आनंद उठा पा रहे हैं, ठीक है। तो सही कंपनी में सही टाइमिंग के जरिए, यानी कि हमें पैसा पैसा कब लगाना है, सही टाइमिंग होनी चाहिए और पैसा प्रॉपर तरीके से हमें लगाना है अच्छी कंपनी के अंदर तो हम पैसा अच्छा बना सकते हैं। अब इसके अंदर देखते हैं फंडामेंटल क्या है। जब भी हम किसी कंपनी को देखते हैं तो फंडामेंटल देखनी चाहिए कि फंडामेंटल क्या है। मार्केट कैप इसका कितना है, 1,01,117 करोड़ का मार्केट कैप है इसका।
पीई कितना है 116 16.73 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। पीवी रेशियो ठीक है, इंडस्ट्री पीवी देखिए इंडस्ट्री की पीई कितनी चल रही है 108 चल रही है। अगर इंडस्ट्री की पीई के हिसाब से आप देखेंगे तो आपका मार्केट जो इस कंपनी की पीई है वो ठीक ठाक ही है, ठीक है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डेप्ट इस पर काफ़ी कम है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी ठीक है, एपीएस भी ठीक है, देखिए डिविडेंड के लिए जीरो है इनकी बुक वैल्यू और फेस वैल्यू, ठीक है। इसके अलावा इस कंपनी के अंदर जो इस कंपनी का जो फाइनेंशियल्स है वो कैसे हैं, देखिए यानी रेवेन्यू कितना मिल रहा है आप करोड़ में, ये रेवेन्यू आ रहा है क्वार्टरली और ये आपका ईयरली आ रहा है, यानी कि ग्रोथ करती जा रही है कंपनी। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो क्वार्टरली देखिए प्रॉफिट आ रहा है क्वार्टरली, और ईयरली करेंगे तो देखिए यहाँ पे लॉस हुआ था, यहाँ पे काफ़ी अच्छा फायदा हुआ था, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे 660 करोड़ का प्रॉफिट हुआ यहाँ पर। इसी प्रकार से नेटवर्थ की बात करेंगे तो कंपनी की नेटवर्थ नेगेटिव में चल रही थी काफ़ी, लेकिन पॉजिटिव होती चली जा रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे हम कि भैया इस कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स ने पैसा किस तरह का लगा रखा है। तो आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो एक दिक्कत है वो क्या है कि यहाँ पर जो प्रोमोटर्स है प्रोमोटर्स ने काफ़ी कम होल्डिंग ले रखी है, ठीक है, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर्स भी ठीक ठाक हैं, लेकिन रिटेलर्स इसमें ज़्यादा घुसे हुए हैं, आप और हम जैसे लोग ज़्यादा घुसे हुए हैं, डोमेस्टिक की होल्डिंग और म्यूचुअल फंड ने होल्डिंग इसके अंदर काफ़ी ले रखी है, यानी कि जो रिटेलर्स हैं ना उन्होंने काफ़ी इसके अंदर पैसा लगा रखा है। अब मान लीजिए सपोज दैट, अब एग्जांपल अगर बता रहा हूँ कि ये कंपनी अच्छी है आपको इसके अंदर पैसा लगाना है सपोज दैट, तो आपको देखिए बॉटम में क्या रहा है, बाई लिखा रहा है और सेल आ रहा है, आपको बाई पे क्लिक करना है। बाई पे क्लिक करने के बाद में क्या करेंगे, आपको लंबे समय के लिए पैसा होल्ड करना है तो आप डिलीवरी को चूज करना पड़ेगा, और यहाँ पर देखिए क्वांटिटी डालनी पड़ेगी, क्वांटिटी एक यानी कितने शेयर बाई करने हैं, एक करना है, दस करना है, कितना, और यहाँ पर जो लिमिट आ रही है इसको आप क्या कर सकते हैं, अभी के अभी मार्केट में पैसा लगाना है तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए लिमिट पर, तो देखिए एट मार्केट लिखा आ गया और यहाँ पर आप डाल दीजिए 10। मान लीजिए कि आपको इस सुजलन एनर्जी के आपको 10 स्टॉक बाई करने हैं, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत क्या है कि अभी यहाँ पे बैलेंस जीरो पड़ा हुआ है और रिक्वायर्ड कितना 783 रुपये चाहिए। अभी सेटलमेंट डे हुआ था इसलिए अभी कल को सैटरडे को अकाउंट जो पैसे थे अकाउंट के अंदर वो विड्रॉ हो चुके हैं, अब इसके अंदर मुझे दोबारा से ऐड करने पड़ेंगे। ऐड करने के बाद में फिर हम क्या कर सकते हैं, इन शेयर को बाई की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, और जैसे ही हम इसको बाई कर लेंगे हमें हमारा जो स्टॉक होगा वो होल्डिंग के अंदर दिखाना स्टार्ट कर देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं सुजलन एनर्जी का, देखिए यहाँ पे एक स्टॉक पड़ा हुआ है मेरे पास, ठीक है, 79 बाई किया था मैंने, 74 का भी प्राइस चल रहा है। तो ये भी मैंने एक एग्जांपल के तौर पे मैंने सिखाया था आप लोगों को कि हम किस तरीके से शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। तो इस प्रकार से आप पैसा लगाते हैं मार्केट के अंदर एक अच्छी कंपनी के अंदर, लेकिन ठीक है ना, जैसे कि आपको एग्जाम्पल तौर बता देता हूँ, एशियन पेंट्स की बात कर लेते हैं, तो एशियन पेंट में आप देखेंगे एक महीने का रिटर्न, एक साल का रिटर्न, एक साल में देखिए इसने अच्छा रिटर्न नहीं दिया है यानी लॉस ही हुआ है एक साल में, लेकिन पाँच साल की बात करेंगे तो पाँच साल में 78.12% का रिटर्न दिया है। देखिए कुछ कंपनियाँ ऐसी हैं जो ऑलरेडी बहुत बड़ी कंपनियां बन चुकी हैं, लेकिन अगर इसमें आपने शुरुआत में पैसा लगाया होता तो आप देख सकते हैं कि आपका पैसा कितना हो गया। देखिए अगर आपने पैसा यहां पे कहीं लगाया होता तो आपका पैसा हो गया 13,781% का, इसका मतलब हो गया 137.181x, 137 गुना आपका पैसा हो गया लगभग। यानी कि इस प्रकार से हम अच्छी कंपनी के अंदर पैसा लगाते हैं और एक लंबे समय के लिए पैसा लगाते हैं तो इस प्रकार से हमारा पैसा अच्छा बन जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपस्टॉक, एंजल वन और धन ऐप का लिंक है, उनमें से किसी भी एक लिंक पर क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन करके अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर।